जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद, आज मैं अपने गंदम के जो काश्तकार हैं उनसे मुखातब हूँ। जिस तरह ये आज धुंध का फोक का मौसम है, तो गंदम में जड़ी बूटी मार जो जहरें हैं उनका स्प्रे ना करें, रोक लें, वरना दवाई का असर नहीं होगा। दूसरी चीज़, अक्सर जगहों पर हम देखें जब जड़ी बूटी मार जहरों का स्प्रे होता है तो कंप्लेंट आती रहती है मुख्तलिफ़ दवाइयाँ मुख्तलिफ़ कंपनियों की कि जी बर्निंग हो गई या फसल पे स्ट्रेस आ गई है स्प्रे करने से। अच्छा, इसमें बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, जो एक मेन रीज़न जो नए केमिकल हैं उनकी वजह से आ रही है ना जी। हमारे ज़िम्मेदार दवाई को सही तरह मिक्स नहीं करते और सही तरह स्प्रे नहीं करते। अब स्पेशली ये जो सल्फोनाल यूरिया ग्रुप की वीडिसाइड हैं, जड़ी बूटी मार जहरें हैं, जिस इनका क्या होता है कि ये जो चौड़े पत्ते और नैरो लीफ दोनों किस्म की जड़ी बूटियों को मारती हैं। अच्छा, इन केमिस्ट्रियों के लिए ख़ास एहतियात की ये ज़रूरत है कि इनकी मिक्सिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मतलब अगर असल जहरों का नाम लूँ तो जो मैंने ग्रुप बताया, आइडोसल्फ्यूरान है, मीज़ोसल्फ्यूरान है और इसी तरह सल्फोसल्फ्यूरान है। तो जो मशहूर ब्रांड है माशाल्लाह, जो क्वालिटी के, जिस तरह जाल है, जुनून है, फिर इस तरह राइनो प्लस है, इनको मिक्स करने का तरीका ये है कि आपने जो पैक आता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, दो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएँ होती हैं। एक एडजुवेंट कहते हैं, एक असल दवाई होती है। आपने किसी प्लास्टिक की बाल्टी या टब में 8 गिलास पानी ले लेना है और उसमें से जो असल दवाई पहले लेनी है उसको मिक्स करना है अच्छी तरह किसी लकड़ी या प्लास्टिक की स्टिक से। देन आपने जो साथ एडजुवेंट दिया गया है उसको उसमें अंडेल देना और अच्छी तरह मिक्स करना है। ये आपका एक दवाई का महलूल तैयार हो जाएगा। ओके, आगे चले, ये खास एहतियात करनी है। दूसरे में खास एहतियात ये है कि पानी से जो आपकी स्प्रे वाली टैंकी है उसको हाफ भरना है, आधा फिल, पूरा नहीं भरना, मसला बनेगा। उस एक गिलास दवाई का महलूल उस आधी भरी हुई टैंकी में डाल लें, उसको फिर अच्छी तरह हिला लें, फिर हिलाने के बाद उसमें बाकी पानी डाल के उसको फिल कर लें। मतलब 16 लीटर की टैंकी है तो उसमें एक गिलास महलूल आप डाल लें। उसके बाद स्प्रे करें प्रॉपर नोज़ल से फ्लड जेट या फ्लैट में, और नी हाइट की, घुटने की हाइट पे रख के, और एक हलाते हलूते स्प्रे नहीं करना। इंशाल्लाह ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। होता ये है कि हम दवाई दोनों को इकट्ठा मिक्स कर लेते हैं या फिर टैंकी को फिल कर लेते हैं पूरा एकदम और उसके बाद दवाई डालते हैं, फिर अच्छी तरह हलाते नहीं हैं। उसका नतीजा ये होता है कि बाद दफ़ा रिज़ल्ट सही नहीं आता और फिर फसल पे बाद दफ़ा स्ट्रेस आ जाती है। ये केमिकल उस दवाई की अपनी तस्वीर है, जिस तरह ये दवाइयाँ होती हैं ना जी बाकी इंसानों की, ये या खुराकें, ये गर्म है इसकी तस्वीर, इसकी ठंडी है, तो इनकी ये केमिकल नेचर है, तस्वीर है। इसका हमें ख़ास ख्याल रखना। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं फील्ड में जाके ये सारा जो प्रोसेस है इसकी डेमोंस्ट्रेशन बनाऊंगा अपने ज़िम्मेदार के लिए। अभी अर्जेंटली मैं ये अपलोड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की मुख्तलिफ़ दवाइयाँ जो फार्मर इस्तेमाल करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे क्वेरीज़ आती हैं कि डॉक्टर साहब इसकी रहनमाई करें, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये आज इस तरह जिस तरह धुंध छाई हुई है स्पेशली पंजाब में, तो मैं ये एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर कर दूँ। थैंक यू।